हाँ जी देखिए, आज बात करते हैं अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 7 कर रहे थे और उसके कितने क्वेश्चन हो गए थे, 13 क्वेश्चन हो गए थे। आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, सारे इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 14 का, सॉरी सेकंड का 14, साइन इनवर्स 4/5 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रूफ क्वेश्चन तो पूरा है कि पूरा ही है। साइन इनवर्स 4/5 प्लस का 2 टैन इनवर्स 1/3, बस यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू। इसको 10 में चेंज कर दो, बताओ 10 में कितना आ जाएगा, पहले इसका फॉर्मूला बोल दो आपको, से sin इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 2x / 1 - x स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहां से sin इनवर्स 4/5 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, tan इनवर्स 2/3 दिया जाएगा 8/9। यहां से sin इनवर्स 4/5 प्लस ये 3 आएगा, इसे कटेगा 3 आएगा, ये 4 कटेगा, 3 ऊपर जाएगा, 3/4 आएगा। बात को समझ रहे हो, है ना। आप देखो अपने एक काम कर सकते हैं, साइन इनवर्स 4/5 इसको चेंज करो, इसको चेंज कर लो, हाँ इसको अगर 10 में चेंज करने अपन है, इसको 10 में चेंज करेंगे तो कितना आएगा बताओ, अगर ये थीटा है, ये 4/5 है, 3 आएगा, तो बताइए क्या कोट में चेंज, हाँ 10 में कितना आएगा, वो आएगा 4/3 और ये भी 10 वर्स 3/4। अब मेरे को तो कोट में चेंज कर दो इसको, नहीं ऐसे नहीं, 10 वर्स 4/3 इसको कोट में चेंज कर दो 4/3, बताओ कितनी वैल्यू होगी इसकी, 5/2 वैल्यू होगी, नहीं होगी, कट गया है तो ये तो ऐसा कैसा, इसको कोट में चेंज कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5/2 होती है, पता ना, 10 इनवर्स x प्लस 14 इनवर्स x इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, 15 वाला sin इनवर्स 5/x 5/13 प्लस sin इनवर्स 12/x और 90 का मतलब 5/2 हो गया, चेंज कर लो उसको, ये आएगा 5/2 माइनस sin इनवर्स 5/13, ऐसा थ्री का एक बार सामने देखेंगे, इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे x नहीं आएगा 13 आएगा, मैंने इसको ऐसा का ऐसा इसको उधर ले लिया, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या मैं इसको cos इनवर्स 5/13 लिख सकता हूँ, ये कैसे लिखा पता चल गया क्या, कैसे लिखा, आपको पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है 5/2, तो यहां से 5/2 माइनस sin इनवर्स x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x होगा कि नहीं होगा, यानी कि 5/2 माइनस sin इनवर्स x को लिख सकता हूं मैं, cos इनवर्स 5/13 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, अभी बात समझ आ गई ना, ये कैसे आया, हां अब देखो इसको चेंज कर सकते हैं अपन, इसको चेंज, इसको वैसे रहने दो 12/x, बताओ इसको sin इनवर्स में चेंज करेंगे तो मैंने बताया था डायरेक्ट कैसे करते हैं, 1 - 5/13 का स्क्वायर, याद आ रहा है क्या, sin थीटा क्या होता है, रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अब यहां से कितना हो जाएगा ये sin इनवर्स 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 25, 144, 144 अपॉन 169, 12/13, और ये कितना हो जाएगा, या आप ट्रायंगल से भी कर सकते हैं इसको, अरे ट्रायंगल से भी कर सकते हैं ना, ये बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का समीकरण, ये 12/x हो जाएगा, इससे ही कट गया, बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ये 15 वाला हो गया है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
अपन अगली बात करते हैं, अपन पीछे से चलते हैं अभी इसके, है ना, बड़े वाले क्वेश्चन से पूरा सही रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 21वें 20वें से 21 20 करवा देते, फिर एग्जांपल्स करवा देते बहुत दो चार। हाँ 21वां क्वेश्चन देखो, देखिए 21वां क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही एक एग्जांपल है, बताए कौन सा है? एग्जांपल नंबर 3 वाला, एग्जांपल नंबर 3 वाला बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जैसा काम में क्वेश्चन नंबर इसका 21 करूंगा, वैसा काम में एग्जांपल नंबर 3 में करूंगा। अब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 21 देखो, मिसलेनियस का बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें भी ये रहेगा सेम। क्या क्वेश्चन है? टू यहाँ पे 10 बीटा बाय 2 इक्वल टू cos इनवर्स sin इनवर्स प्लस माइनस sin टू अल्फा cos ऐसे ऐसे ऐसे। बात को समझो, बात को समझ लो। लेट करते देखिए, इसमें टू को नहीं लूंगा साथ में, इसको लेट करूंगा। ठीक है, क्या लेट करूंगा वो देखना। इसको थीटा लेट करूंगा, अगर मैं टू को भी साथ लेता थीटा को हुआ था, अरे आता नहीं आता, टेन इनवर्स को दे रहा हूं। टेन थीटा, अगर मैं टू भी साथ लेता तो थीटा अपॉन टू होता, ये होता तो ये आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता अपॉन वाली चीज। बिना अपॉन वाली चीज के टू नहीं लेंगे अपन। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा टेन ए माइनस थीटा, क्या होता है टेन ए माइनस tan b upon 1 plus tan a tan b, और ये आपका tan beta by 2 tan theta, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, जैसे tan theta लिखा हुआ, tan theta equal to 1 minus tan alpha upon 1 plus tan alpha tan beta by 2। एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। देखिए ये cos 2 थीटा का क्यों लगा, क्योंकि यहां पे cos इनवर्स लगाना है। अब यहां पे tan की वैल्यू देखिए क्या रखनी है, ये कंप्लीट वाली वैल्यू, तो क्या है बताओ यहां से 1 minus, अब यहां तो नहीं दिखाई दे, यहां से देखिए tan की वैल्यू लगी होगी, tan कितना है 1 minus tan alpha 1 plus tan alpha, यहां पे वैल्यू रखेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला देखिएगा, cos 2 theta equal 1 minus tan की वैल्यू बोलो क्या है, 1 minus tan alpha है कि नहीं है, upon 1 plus tan alpha, साथ में कौन है tan beta, तो स्क्वायर भी करेंगे तो इसका भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर आएगा, नीचे भी ऐसा आएगा 1 plus 1 minus tan alpha 1 plus tan alpha और इसका स्क्वायर tan स्क्वायर beta by 2। मैंने tan की वैल्यू रख दी ऊपर और नीचे, नीचे एलसीएम क्या आएगा 1 plus tan alpha का होल स्क्वायर, ऊपर एलसीएम क्या आएगा 1 plus tan alpha का होल स्क्वायर, एलसीएम से एलसीएम चला जाएगा, ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा 1 plus tan alpha का होल स्क्वायर minus 1 minus tan alpha का होल स्क्वायर, और साथ में कौन है tan स्क्वायर
बीटा बाय टू, नीचे जाएगा वन प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, साथ में वन माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बाय टू। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताइए क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर टू टेन अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाय टू नीचे वन प्लस टेन अल्फा का नहीं स्क्वायर करेंगे ना, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टू टेन अल्फा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टू टेन अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाय टू। अभी तक मैंने क्या किया, एक तो थीटा ले लिया इसका फॉर्मूला लगा इसको सॉल्व किया। अब देखिए ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, ये भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले रहा हूं, है ना, कैसे ये कैलकुलेशन कम करना चाह रहा हूं मैं, इसमें और इसमें कॉमन लूंगा मैं, क्या बचेगा यहां पे, यहां ये कॉमन आ गया अच्छा अल्फा, तो यहां तो क्या आएगा 1 आएगा, जब ये वाला कॉमन आ गया इससे मल्टीप्लाई भी होगा, अरे जब ये कॉमन होगा तो ये मल्टीप्लाई भी होगा इससे, ये मान किसका साइन है माइनस, इसमें 2 tan अल्फा कॉमन होगा, 2 tan अल्फा क्या बचेगा, यहां तो 1 बचेगा अंदर बचेगा प्लस का tan स्क्वायर बेटा, बात समझ में आई कि नहीं, ऐसे भी काम नीचे करेंगे 1 plus tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय टू, टू टेन अल्फा कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाय टू। अब देखिए ऊपर और नीचे पे किससे डिवाइड करूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करूंगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, अगली दो स्टेप में आंसर आने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, आगे चलते हैं फिर, डन चलो सर समझ में आ गया, अब देखो यहां से आगे कैसे करें, नोट कर रहे थे क्या, नोट किया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो बताओ यहां तो क्या बचेगा, बोलना 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाय टू, यहाँ पे टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय टू, नीचे भी ऐसे ही बचेगा, ये तो कट जाएगा और क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इसको चेंज कर दो आप, वन माइनस कॉस नहीं साइन स्क्वायर बीटा बाय टू अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू, ये साइन टू अल्फा इसको भी चेंज कर दो, साइन स्क्वायर बीटा बाय टू कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू, यहाँ पे नीचे भी ऐसे आएगा वन प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाय टू कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू प्लस साइन टू अल्फा
ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय टू कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक दूसरे खाओ यहाँ पे कैसे यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू, यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू, यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा यहाँ पे क्या आएगा। अब बताओ जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू माइनस का साइन स्क्वायर बीटा बाय टू क्या होगा बताएंगे क्या होगा कॉस टू बीटा नहीं cos बीटा क्योंकि बीटा बाय 2 है ना। अरे बीटा बाय 2 तो और यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी मनमानी मनमानी नीचे भी ऐसे आ रहा है क्या हुआ सर छोटा क्वेश्चन हो गया ये तो एक बार में क्या चल रहा था cos थीटा। अब आपको पता है आपका जो RHS आ रहा है उसमें ये तो आ रहा है लेकिन साथ में कौन आ रहा है cos इनवर्स भी आ रहा है। अब 2 थीटा को ये cos है ना इसको इधर ले लो तो बताओ क्या आएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स cos बीटा sin 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। थीटा की वैल्यू रख दो बीटा कितना है tan प्लस tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाय 2 इक्वल में दिस cos इनवर्स cos बीटा sin 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। यही प्रूफ करना था यही करना था भारी हो गया। अभी अलग करते हैं ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लो और एग्जांपल नंबर 3 निकालो अभी अलग कर देंगे। अरे अभी अलग कर देंगे भारी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एग्जांपल नंबर 3 निकालो एग्जाम्पल नंबर 3 बोलो क्या है a माइनस b a प्लस b tan x बाय 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 हल्का हो जाएगा ये करते ही अरे कुछ ज्यादा हो रहा है तू बोल रहा क्या मान तेरा आदमी मान रहे कहां तक जा सकता है लास्ट नाम बोलेगा तो अरे ये क्वेश्चन है कुछ वैसा ही लग रहा है 2 भी आ रहा है 10 इनवर्स भी आ रहा है 10 बीटा बाय 2 था cos इनवर्स था यहां पे कुछ ऐसे टर्म्स आ रही है तो लेट कर लेंगे इसको 2 को हटा दें और बाकी बचेगा उसको लेट कर लेंगे क्या लेट करेंगे वही तो काम करेंगे खुदा जाएगा तो ये हो जाएगा ये हो गया ये हो गया ये लो अब किसका फॉर्मूला cos टू थीटा का फॉर्मूला ये तो किया था काम अभी पहले भी हम cos टू थीटा का फॉर्मूला लेंगे क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
प्लस टेन स्क्वायर का होगा कि होगा, अब होल स्क्वायर भी करेंगे तो बताओ रूट हट जाएगा क्या टेगा, अरे टेगा नहीं हटेगा, ए माइनस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का नीचे भी ऐसे आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बताओ कैसे ए प्लस बी आएगा, नीचे ए प्लस बी आएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू, नीचे भी कुछ ऐसा आएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस डी टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू है ना, अब a कॉमन ले लेंगे फिर b कॉमन ले लेंगे सॉल्व कर लेंगे आंसर a कॉमन लेंगे यानी a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहां तो मान आएगा यहां तो मान आएगा, यहां पे टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा, अरे होगा क्यों होगा, और ऐसे b को मान लेंगे 1 plus tan square x square होगा, नीचे भी कुछ ऐसा ही a को मान लेंगे तो 1 plus होगा आपकी बात, और क्या हो जाएगा पहले भी ऐसे ही किया था और b को मान लेंगे नहीं उसमें ऐसे को मान लेंगे 1 plus tan square को मान लेंगे यार बात तो हुई b 1 minus tan square x square, अब बताओ किससे डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे 1 plus tan square x by 2 से, तो ये तो हो जाएगा 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, ये भाई साहब कट जाएगा भी आ जाएगा, ये भाई साहब कट जाएगा खत्म कहां नहीं ये आ गया और ये हो गया आंसर आ गया, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं प्लस का भी आए a plus b cos x बन जाएगा, अब नहीं लग रहा ना भाई अब तो सर ही लग रहा है ना, अब उधर जाएंगे उल्टा हो गया और थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे, समझ में आ गया होगा ठीक है, अब वो मिसलेनियस का 20 वाला क्वेश्चन और देख लो, वो टाइम बच गया हो तो एक आध एग्जांपल और कर लेंगे, एग्जांपल वैसे इजी है पर टफ नहीं है वैसे, आइए ना एग्जांपल, अरे धर्मवीर कंटेस्ट है पता है ना तेरे को, धर्मवीर समीर कृष्ण कुमार कंटेस्ट है सेकंड चैप्टर का कंप्लीट का, और अपनी जो लाइव क्लास होती है उसी टाइम टेस्ट लूंगा, बात समझ में आ रही है क्या, एक बार यस और नो में कमेंट कर दो देखे, ओके बढ़िया तरीके से कर लेना सेकंड चैप्टर को, टेस्ट लूंगा कल पढ़ाई में नहीं, कल टेस्ट लेंगे सेकंड चैप्टर का, काम तमाम कौन से रूट नहीं यू काटता है तुम तमाम
एलसीएम को उड़ाओ सही रहेगा, ऊपर भी एलसीएम की नीचे भी एलसीएम हुई, एलसीएम से एलसीएम उड़ा देते तो फास्ट आंसर आते हैं, कैलकुलेशन इजी बन जाती है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ठीक है एक्स आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 4kx इसको रफी कर देता हूं ना हल्का हो जाएगा क्वेश्चन तो यहां पे 2k को 2x से माइनस का 4kx ये आएगा माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर माइनस के x को 2x से प्लस का 2x स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। बात समझ आ रही है कितना आएगा बताओ kx आएगा, नीचे भी कुछ ऐसा ही आएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 k स्क्वायर माइनस k √3 kx इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा ये लो। अब ऊपर सोल्व करेंगे 3kx ये देखो 5kx माइनस है, देखिए पहले इनको लिखते हैं तो क्या आएगा बताओ यहां से 5 माइनस थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ये बचेगा 2k स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस का ये तो 4 5 3 में से 5 गया तो माइनस का 2kx नीचे भी ऐसे आएगा लेकिन √3 साथ में रहेगा सामने तो 2√3k 2√3k स्क्वायर 2√3x स्क्वायर 2√3kx ये बचेगा। चेक करो चेक √3kx 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 ऊपर 2 को मनाएगा नीचे 2√3 को मनाएगा। आप देखो तो ऊपर 2 को मनाने के बाद क्या बचेगा k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3kx नीचे 2√3 को मनाएगा क्या बचेगा k स्क्वायर x स्क्वायर कट जाएगा और वो बचेगा ऊपर तो 2 नीचे 2√3 2 से 2 कट गया बना कौन √3 और बना कौन √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 π/6 खत्म कहानी 5 π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है ये ही तो प्रूफ करना था। अब कोई क्वेश्चन बच गया हो जो आपको नहीं आ सकता वो देखता हूँ देखे मैं एग्जाम्पल तो सारे हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई डाउट है एग्जाम्पल में एक बार मिसलेनियस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और मिसलेनियस का 18वां और 19वां कर लेते हैं ठीक है 18वां और 19वां 18वां इम्पोर्टेंट है 18वां इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ठीक है 18वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कल तो पता नहीं क्या क्या आएगा कल की क्यों चिंता करता है कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप भी करवा रहे हैं तो आएंगे एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेशन की जो पार्ट है इसलिए मैं दोबारा से करके आपके दिमाग में देखोगे तो आप ऐसे याद रहे की वैल्यूज थोड़ा आइडिया रहेगा कि आप कैलकुलेशन सही कर रहे थे आंसर एक बार में ही सही आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आगे क्या करेंगे अपने पहले अपन 18 वाले को कर लेते हैं टाइम तो है अपने पास अभी तो 10 मिनट का मैसेज भी नहीं आया वो आता है प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0 tan इनवर्स आ गया 10 मिनट हो रहा है मिलता है एक दो घंटे का। क्वेश्चन नंबर 18 मैं LHS की लेता हूँ इसके ना तो क्या 1/2 10 inverse
स्क्वायर में ये वो क्यूब करना क्यूब ही है ना नहीं क्यूब नहीं था वो चेंज करवाया हुआ अच्छा ये जस्ट मिले ना देखिए यहां पे तो एक फॉर्मूला लिख देंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे बताओ देखिए tan 2a का 2 tan चलो बाद में लगाएंगे इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसे बार बार कर रहे हैं एक कॉल आ रहा है ना एक मिनट रुकना रे एक कॉल आ रहा है एक मिनट रुकना हाँ हाँ देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा tan इनवर्स x plus y upon 1 minus x into y ठीक है यहाँ से tan इनवर्स 1 upon 2 tan 2a और ये हो जाएगा बताओ ऊपर cot a कॉमन आएगा क्या yes, y plus cot स्क्वायर a बचेगा बचेगा नहीं बचेगा yes, और नीचे एक फॉर्मूला लगेगा बताओ किसका लगेगा बता सकते हो क्या आप लोग अरे 1 minus cot की पावर 4 आएगा उसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 1 plus cot स्क्वायर और 1 minus cot स्क्वायर चेक करो मैंने सही लिखा है क्या अरे इस वाले से कट जाएगा और कटते इसको सॉल्व कर दो 1 upon 2 tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a upon क्या आएगा 1 minus tan स्क्वायर a आएगा उससे 2 का भी कम तमाम और इसको tan में चेंज कर दो 1 upon tan a नीचे क्या आएगा 1 minus 1 upon tan स्क्वायर a आएगा अब यहां लिखिएगा tan inverse tan a upon 1 minus tan स्क्वायर a यहाँ देखो क्या आएगा tan स्क्वायर की एलसीएम आएगा एक tan स्क्वायर से एक tan कट जाएगा ऊपर tan ए जाएगा तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा tan इनवर्स tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1 अंदर माइनस कॉमन ले सकता हूँ क्या क्योंकि 1 क्या होता है पॉजिटिव होता है तो मैं माइनस कॉमन लूंगा वो माइनस बाहर निकलेगा तो बताओ वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स tan a अपॉन 1 minus tan square a minus बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा tan a upon 1 minus tan square a ये कट जाएगा सेम पूरा वैल्यू क्या आएगी 0 आई भी नहीं है ठीक है हाँ अब आ जाओ आप एग्जांपल में आ जाओ एग्जांपल नंबर आप ये देखो 7 मारा एग्जांपल नंबर 7 का है देखो क्या है cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स दोबारा बोलो cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स cot इनवर्स यही है अब देखो कैसे कैसे करेंगे इसको सोल्व आप मेरे को बताओ यहाँ पे sin है यहाँ पे क्या है cot इनवर्स है
ट्राइंगल एक्स बनाएंगे, थीटा लेस करेंगे, कॉट एक्स अपॉन वन हो जाएगा, रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये कैसे आया, इसको थीटा लेट कर लो, थीटा लेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कॉट थीटा, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस टेन इनवर्स साइन, ये इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दो, साइन इनवर्स बताओ क्या आएगा वन अपॉन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा या इससे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, कॉस इसके बाद टेन इनवर्स ये वन अपॉन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको चेंज करेंगे ये आपका फिर से फाइव लिखेंगे, इसको अब की बार फाइव ऐड कर लेंगे, ये आपका वन हो जाएगा, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बेस को परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये कितना आएगा, ये आएगा टू प्लस एक्स स्क्वायर, चेक कर लेना आप लोग, अब इसको चेंज करना है किसमें कॉस इनवर्स में, अब तो कोई जाएगा आगे, अब इसको कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस कॉस इनवर्स बताओ कितना आएगा, मैं वो होता है बेस अपॉन बेस, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और टू अप प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, खत्म कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस का टू, अब बाकी के क्वेश्चन जो भी बच गए वो आप सोल्व करेंगे, ठीक है आज के लिए बस इतना ही काफी है, एक बार आप हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और कल टेस्ट है 12:25 पे टेस्ट होगा आपका, और पढ़ाएंगे नहीं कल टेस्ट ही लेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।